नमस्कार दोस्तों, अलग अलग समाचार पत्रों मीडिया से कुछ बेहद बड़ी जरूरी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। यदि आप भी निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करें। तो बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पहली बड़ी खबर FCI में टेंडर प्रक्रिया में समाप्ति को लेकर। लॉकडाउन के दौरान खुले बाजार में खाद्यान्न की पर्याप्त आपूर्ति करने तथा कालाबाजारी को रोकने के लिए गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद FCI अर्थात सरकारी गोदामों से अनाज खरीदने की प्रक्रिया में टेंडरिंग खत्म कर दी गई है। इस फैसले के बाद अब FCI के गोदामों से कोई भी व्यक्ति 21 रुपए प्रति किलो गेहूं और 22 रुपए प्रति किलो चावल की दर से खरीद सकता है। बताते चले कि FCI पूरे देश में 81 करोड़ गरीब लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए 2 रुपए प्रति किलो गेहूं और 3 रुपए प्रति किलो चावल मुहैया कराती है। अगली बड़ी खबर अमेरिका और चीन के बीच जारी जुबानी जंग को लेकर। जहां दुनिया के लिए कोरोना वायरस महामारी से निपटना एक चुनौती बन गई है, तो वहीं चीन और अमेरिका के बीच जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। दरअसल अमेरिका ने 7 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका पर सवाल खड़े करते हुए फंडिंग रोकने की धमकी दी थी, जिसके बाद चीन ने 8 अप्रैल को दोनों संस्थाओं की तारीफ कर अमेरिका को आड़ों हाथे लिया। तो वहीं 10 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की वर्चुअल महाबैठक में दोनों देश आमने सामने आ गए। इस बैठक में अमेरिका ने चीन की नीयत पर सवाल उठाते हुए चीन और WHO पर कोरोना वायरस की सच्चाई छुपाने का आरोप लगाया। साथ ही दुनिया में फैली इस महामारी के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया। तो वहीं चीन ने इस बैठक में अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि WHO को COVID-19 की सूचना देने वाला चीन पहला देश है। साथ ही चीन ने कहा कि महामारी दुनिया में कहीं भी फैल सकती है, इसकी शुरुआत विज्ञान का विषय है और इसे विज्ञान पर ही छोड़ देना चाहिए। तो वहीं अगली बड़ी खबर कोरोना वायरस की भविष्यवाणी को लेकर। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने PGI चंडीगढ़ के विशेषज्ञों का हवाला देते हुए कहा कि भारत में सितंबर के मध्य तक कोरोना वायरस का कहर अपने चरम पर होगा और देश की 58% करीब 78 करोड़ 30 लाख की आबादी कोरोना की चपेट में आ सकती है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार के द्वारा दिए जाने वाली 15,000 करोड़ की राहत पैकेज को पर्याप्त नहीं माना। उन्होंने कहा कि 1 अरब 30 करोड़ की आबादी में यह कुछ नहीं है। बताते चले कि कोरोना वायरस के मामले शुरू होने के बाद करीब 1,50,000 लोग विदेशों से पंजाब आए, लेकिन राहत भरी खबर यह है कि यहां स्थिति नियंत्रण में है। वहीं आंकड़ों की बात करें तो यहां 132 लोग संक्रमित तथा 12 लोगों की मौत हो चुकी है, परंतु फिर भी पंजाब सरकार ने ओडिशा के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने राज्य में लॉकडाउन की समय सीमा 1 मई तक बढ़ाए जाने पर विचार कर रही है। तो वहीं अगली खबर बिहार से आ रही है। पूरे देश में लॉकडाउन खत्म होने में 4 दिन ही बचे हैं, जबकि कोरोना वायरस के मामले बिहार में बढ़ती जा रही है। यदि आंकड़ों की बात करें तो बिहार में अब तक संक्रमितों की संख्या 60 पहुंच गई है, जबकि 2 लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से 23 मरीज सिवान के एक ही गांव के एक ही परिवार से जुड़े हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों से अपील की है कि वे अपने ट्रेवल हिस्ट्री बिना छिपाए जांच के लिए सामने आए। बताते चले कि गुरुवार को बिहार के 3 जिलों सिवान, बेगूसराय और नवादा की सीमाओं को सील कर दी गई थी। अगली बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी बीच दक्षिण पश्चिम दिल्ली से कांग्रेस के पूर्व पार्षद को तबलीगी जमात में शामिल होने की जानकारी छुपाने के जुर्म में पुलिस ने केस दर्ज की। पुलिस ने बताया कि मेडिकल जांच में पूर्व पार्षद, उनकी पत्नी और उनकी बेटी कोरोना पॉजिटिव पाई गई, जिसके बाद उनके कॉल रिकॉर्ड डिटेल से पता चला कि वो मरकज के कार्यक्रम में हिस्सा लिए थे। बताते चले कि दिल्ली में मरीजों की संख्या 720 हो चुकी है, जबकि 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 430 मामले मरकज से जुड़े हैं। जिसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी के 21 इलाकों में ऑपरेशन शील्ड चलाने की घोषणा की है। अगली बड़ी खबर एशियाई विकास बैंक को लेकर। एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष अस्काबा ने शुक्रवार को कोरोना वायरस महामारी से लड़ने में भारत की मदद के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को 2 अरब 30 लाख अमेरिकी डॉलर लगभग 16,500 करोड़ रुपए की मदद का भरोसा दिया। उन्होंने कहा जरूरत पड़ने पर भारत के लिए ADB की सहायता को और बढ़ाया जाएगा, साथ ही ADB भारत की आपातकालीन जरूरतों में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। बताते चले कि ADB अध्यक्ष ने महामारी की रोकथाम के लिए भारत सरकार के उपायों की सराहना भी की। इन उपायों में लॉकडाउन का निर्णय, 1,70,000 करोड़ की आर्थिक राहत पैकेज का विशेष तौर पर सराहना किया गया। अगली बड़ी खबर शिक्षा मंत्रालय से। मानव संसाधन विकास मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर छात्रों सहित लोगों की पहुंच में 5 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। मंत्रालय के अनुसार 23 मार्च 2020 से अब तक HRD मंत्रालय के विभिन्न ई लर्निंग प्लेटफॉर्मों में संयुक्त रूप से 1.4 करोड़ से भी ज्यादा की पहुंच देखने को मिली है। उन्होंने बताया कि नेशनल ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म स्वयं प्रभा DTH TV चैनलों के वीडियो को लगभग 59 लाख लोग प्रतिदिन देख रहे हैं। बताते चले कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने लॉकडाउन के मद्देनजर विद्यार्थियों को पढ़ाई घर से ही करने के निर्देश दिए थे। अगली बड़ी खबर बिहार सरकार को लेकर। लॉकडाउन की समय सीमा को लेकर केंद्र सरकार ने 12 अप्रैल तक सभी राज्यों से राय मांगी थी, जिसमें कई राज्यों ने अपनी राय दी। तो इसी कड़ी में बिहार सरकार से मांग की गई है
कि ग्रामीण इलाकों में निर्माण कार्य को इसकी परिधि से बाहर रखा जाए, मतलब जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उस पर रोक न लगाई जाए, क्योंकि लॉकडाउन के ऐलान के बाद दिल्ली, मुंबई, पंजाब आदि से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर और कामगार घर आ गए हैं और बेरोजगारी के हालात में जो परेशानियां सामने आएंगी वो बिहार के लिए कोरोना के साथ एक नई चुनौती खड़ी कर देगी। तो अगली खबर देश में कोरोना वायरस के अपडेट को लेकर। देश भर में जारी लॉकडाउन का आज 18वां दिन है और इस दिन भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के कुल 896 मामले सामने आए, जो अब तक सबसे ज्यादा है और इसी के साथ देश भर में संक्रमितों की संख्या 1760 हो चुकी है, जबकि 206 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लॉकडाउन 14 अप्रैल को खत्म होगा या नहीं, इस बारे में अपने फैसले का ऐलान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर राष्ट्र को संबोधित कर सकते हैं, लेकिन इस फैसले से पहले वह आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। अंतिम बड़ी खबर विश्व में कोरोना वायरस के अपडेट को लेकर। दुनिया भर में कोरोना वायरस से लोगों के मरने का सिलसिला लगातार जारी है। अब तक इस महामारी से लोगों की मौत का आंकड़ा 96,000 पार कर चुका है। इसके अलावा 16 लाख से अधिक लोग संक्रमित पाए गए, तो वहीं 3,56,000 से अधिक लोगों को ठीक किया जा चुका है। बताते चले कि कोविड 19 संक्रमण के करीब 30% और इसमें से मारे गए लोगों के करीब 17% मामले सिर्फ अमेरिका से हैं। तो वहीं राहत भरी खबर यह है कि संक्रमण के कारण ब्रिटेन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की स्वास्थ्य में सुधार के बाद आईसीयू से बाहर लाए गए।